लाइसोसोम, लाइसोसोम कैन बी डिवाइडेड, लाइसोसोम कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स, लाइसोसोम कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। पॉलीमॉर्फिक है, डिफरेंट फंक्शनल रोल होने की वजह से लाइसोसोम वही है, अभी ये काम कर रहा है, फिर वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, तभी ये काम करेगा, कभी पार्ट संबंध रहा रखने, अभी ये काम किया, तभी वो काम किया, कभी वो काम किया, वही लाइसोसोम एक से ज्यादा फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला लाइसोसोम होगा प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम इट इज कॉल्ड स्टोरेज ग्रेन्यूल या स्टोरेज वेसिकल, इसको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल या स्टोरेज वेसिकल बोलते हैं। दूसरा लाइसोसोम है सेकेंडरी लाइसोसोम, वन डिग्री या टू डिग्री प्रोनंसिएशन मत करना, ये प्राइमरी का शॉर्ट फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोफैगोसोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोफैगोसोम, ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल। तीसरा जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म है टर्शियरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल वैक्यूल, रेसिडुअल वैक्यूल या रेसिडुअल बॉडी भी नाम देते हैं। और चौथा लाइसोसोम है ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम इसको हम एक और नाम देते हैं ऑटोसोम, इसको एक और नाम देते हैं साइटोलाइसोसोम, साइटोलाइसोसोम। टर्शियरी लाइसोसोम को एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है टीलोलाइसोसोम, TELOLYSOSOME, टीलोलाइसोसोम। So, अभी ये काम कर रहा है, तभी वो काम करेगा, कभी वो काम करेगा, इसलिए पॉलीमॉर्फिक है, एक से ज्यादा फिजियोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है। चार टाइप के लाइसोसोम बात करते हैं वन बाय वन, ये चार टाइप के लाइसोसोम जो फिजियोलॉजिकल बेसिस पर चार टाइप में डिवाइड हुए हैं क्या काम कर रहे हैं, बात पकड़िएगा, बात पकड़िएगा। लाइसोसोम का पूरा जर्नी अब तक का रिमाइंड करिए, पैकेजिंग ऑफ गॉल्जी बॉडीज, क्रिश्चियन डे ड्यूब 1955, एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ एंजाइम के नाम मेंशन किए, कोलेस्टेरॉल और कॉर्टिसोल लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और कुछ केमिकल कंपाउंड है जो जो है वीक करेंगे लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम अपने मेम्ब्रेन को अपने एंजाइम से कैसे प्रोटेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल रोल बताओ बताओ बताओ, माइंड में जा रहा है, कुछ बाउंस तो नहीं गया ना, बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। बात आगे ले चलते हैं, लाइसोसोम की स्टोरी को जो है आगे ले चलते हैं। नीड योर अटेंशन, मुझे आपका ध्यान चाहिए, यहां वहां ध्यान मत ले जाना जब तक आगे का जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो समझ में ना आ जाए, फुल्ली कंसंट्रेट होइए हमारे साथ। यहां पर ये एक सेल कंसिडर किया मैंने, ये एक सेल कंसिडर किया मैंने, समझिएगा प्लीज। यहां पर मानते हैं लाइव जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां कहीं पर मैं मान ले रहा हूं गॉल्जी बॉडी है, यहां कहीं पर मैं कंसीडर कर रहा हूं गॉल्जी बॉडी है, ये यहां पर मैंने कंसीडर किया गॉल्जी बॉडी, समझेगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ ही लेना। सो ई हो गया आर ई आर, क्योंकि इसके पास है एटीएस राइबोसोम सरफेस पर, सो ई हो गया आर ई आर, और ई हो गया एस ई आर, और ई हो गया ई आर, यहां पर मैंने मेंशन किया इसको गॉल्जी बॉडी। नाउ नीड योर अटेंशन, राइबोसोम प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ आर ई आर, राइबोसोम प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ आर ई आर सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स।
तो ये राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, जो प्रोटीन राइबोसोम के नीचे, कुछ मैं पहले भी बोल चुका हूं, राइबोसोम के नीचे आरईआर के सरफेस पर पोर होता है, तो उस पोर के थ्रू द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इट इज रिलीज्ड इन द कैविटी इन द ल्यूमेन ऑफ आरईआर। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड नया नया ताजा ताजा जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ आरईआर के थ्रू, इट विल मूव टुवर्ड्स द एसईआर और एसईआर बनाएगा एक वेसिकल, SER बनाएगा एक वेसिकल और उस वेसिकल में ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पैक हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इस वेसिकल में पैक हो गया, ये वेसिकल पिंच ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम बता दीजिए जल्दी से, तो बताइए नाम, सुना है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है, इस ट्रांजिशन वेसिकल के पास नया नया ताजा ताजा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव नॉन फंक्शनल फॉर्म में है। अब ये वेसिकल ऐसे आएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा, और ये वेसिकल ऐसे ऐसे आकर सिस या कॉन्वेक्स फेज ऑफ गॉल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी है उससे चिपको हुआ। नाउ जो है द प्रोटीन प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन वेसिकल, दैट ट्रांजिशन वेसिकल मूव्ड टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स या सिस फेज ऑफ द सिस्टर्नी एंड द प्रोटीन इज रिलीज्ड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गॉल्जी बॉडी। ये प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज्ड नॉन फंक्शनल प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन ऐसे फ्रॉम वन सिस्टर्नी टू नेक्स्ट सिस्टर्नी टुवर्ड्स द मैच्योर फेज टुवर्ड्स द सिस ट्रांस फेज या टुवर्ड्स द कॉन्केव फेज जो है मूव करेगा फ्रॉम वन सिस्टर्नी टू नेक्स्ट सिस्टर्नी। इस इमैच्योर प्रोटीन नॉन फंक्शनल प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। मैं इस प्रोटीन को कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग दिस प्रोटीन एज द रॉ मटेरियल द प्रिकर्सर फॉर लाइसोसोमल एंजाइम्स। सो दिस प्रोटीन इन फ्यूचर गोइंग टू एक्ट एज द लाइसोसोमल एंजाइम। तो लाइसोसोमल एंजाइम के लिए रॉ मटेरियल किसने दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में एक माइन्यूट रोल प्ले किया कि नहीं? नाउ फ्रॉम द ट्रांस साइट, फ्रॉम द मैच्योर या कॉन्केव साइट एक अभिवेसिकल बनाया गया, एक अभी वेसिकल बनाया गया, और इस वेसिकल ने ये जो रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर प्रोवाइड किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, वो थ्रू आउट द सिस्टर्नी मॉडिफाई हो गया, एंजाइम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये यहां पर फिल करता जाएगा जो गॉल्जी बॉडी इस वेसिकल में जो जो भी रॉ मटेरियल जो भी डिफरेंट एंजाइम्स के लिए प्रोटीन आएगा उसको मॉडिफाई करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक प्रोटीन भेजा उसको एक एंजाइम में, दूसरा प्रोटीन उसको दूसरे, ऐसे करके जो है गॉल्जी वो जो रॉ मटेरियल मिलेगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस रॉ मटेरियल को लाइसोसोम के डिफरेंट एंजाइम के फॉर्म में मॉडिफाई और कन्वर्ट करता रहेगा द वेसिकल। ये एक वेसिकल डेवलप हुआ फ्रॉम द सिस्टर्नी, फ्रॉम द सिस्टर्नी वो भी गॉल्जी बॉडी के मैच्योर फेज से, और ये वेसिकल पिंच ऑफ हो गया, ये वेसिकल बड आउट हो गया, पिंच ऑफ हो गया, और इस वेसिकल के अंदर लाइसोसोम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रॉ मटेरियल को यूज करके एंजाइम्स भर दिया, नया नया ताजा ताजा अभी एक वेसिकल डेवलप हुआ गॉल्जी बॉडी के मैच्योर साइट से, जिसमें गॉल्जी बॉडी ने पैकेज कर दिया लाइसोसोम के एंजाइम्स को। ये अभी जो लाइसोसोम डेवलप हुआ इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। बोलो जल्दी बोलो, क्या मैं बोलूं? प्राइमरी लाइसोसोम इट रिप्रेजेंट्स न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम हैविंग इनएक्टिव नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम having inactive enzymes, inactive non-functional enzymes. ये सेल कभी ना कभी ये सेल
को लालच अहलपलप के नाम पर फूड मले जो है दिखेगा, या कोई फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, या कोई ना कोई लार्ज लिक्विड कंपाउंड, ये सेल मैं कंसीडर कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा है, तो ये मैंने माना जो है सॉलिड फूड कंसीडर किया, इसको मैंने माना लिक्विड मटेरियल। जल्दी से बताइए, समझ में तो आ ही गया होगा लिक्विड कंपाउंड क्या होने वाला है, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस होने वाला है। तो यहां पर फैगोसाइटोसिस के थ्रू या पिनोसाइटोसिस के थ्रू, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। ये क्या किया, सॉलिड फूड को सेल ने या लिक्विड मटेरियल को सेल के सेल मेम्ब्रेन ने एक वेसिकल के अंदर इंटेक किया, थोड़ा समझिएगा। तो ये एक वेसिकल फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये एक वेसिकल फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, एक वेसिकल जो फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर है सॉलिड फूड, उस वेसिकल को क्या नाम देंगे, जल्दी से बताओ। अरे वाह, आपको तो आता है, आपने सही जवाब दिया, फैगोसोम। ठीक है, और एक वेसिकल जिसके अंदर लार्ज लिक्विड कंपाउंड है, जल्दी से बताइए इस वेसिकल को क्या नाम देंगे। क्या बात है, आपको तो सब कुछ याद है, पिनोसोम नाम देंगे, एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप, पिनोसोम और फैगोसोम। ठीक है, बेसिकली जो है पिनोसोम के अंदर जो लिक्विड कंपाउंड है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है, बट कभी कभी पिनोसोम में प्रेजेंट लार्ज लिक्विड कंपाउंड का डाइजेशन भी होना होता है, तो हम दोनों के लैंग्वेज में जो है कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसको थोड़ा जो है एक पर्टिकुलर एरिया में लाके जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहां पर प्राइमरी लाइसोसोम है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। पता चला कितना इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। नाउ साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू, साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो सॉलिड फूड या जो पैथोजन बैक्टीरिया फंगस एक्सेट्रा पैक्ड है फैगोसोम के थ्रू, इसको डायरेक्ट किया जाएगा, ये ऐसे आएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा, और ये फैगोसोम चिपकू होगा, ये फैगोसोम चिपकू होगा, अटैच हो जाएगा किसके साथ, फैगोसोम अटैच हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, समझिएगा, समझिएगा। ठीक है, ऐसे में जो है ये जो है पिनोसोम भी आके अटैच हो सकता है, पिनोसोम को मैं जो है लिखवा दूंगा, उसको जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। सो फैगोसोम हैविंग सॉलिड फूड मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन विल मूव टुवर्ड्स द प्राइमरी लाइसोसोम, गेट अटैच्ड विथ द प्राइमरी लाइसोसोम। बात पकड़ने आ रहा है, यहां तक की बात समझा, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ चिपकू हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच हुआ फैगोसोम, फैगोसोम जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच हुआ, फैगोसोम ने प्राइमरी लाइसोसोम को बोला नॉक नॉक, आई नीड योर अटेंशन, फुल अटेंशन चाहिए, फैगोसोम ने प्राइमरी लाइसोसोम को बोला नॉक नॉक, प्राइमरी लाइसोसोम ने बोला कौन, तो फैगोसोम ने बोला मैं, तो प्राइमरी लाइसोसोम ने बोला अरे कौन, तो फैगोसोम ने बोला मैं फैगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम बोला क्या करूं, तुम फैगोसोम तो मैं क्या करूं, तो फैगोसोम ने बोला मैं फूड लेके आया, तुमको इसका डाइजेशन करना है, तो प्राइमरी लाइसोसोम ने बोला अच्छा, अभी तो मेरे पास जो है इनएक्टिव एंजाइम है, उसने जब प्राइमरी लाइसोसोम ने फैगोसोम को बोला थंबा थंबा रुको रुको, वो जल्दी से आजू बाजू एरिया में जो भी प्रोटॉन अवेलेबल है इन द साइटोप्लाज्म, प्रोटॉन का एक्टिव इंटेक करने लगा, कौन कर रहा है जल्दी से बताइए, प्राइमरी लाइसोसोम। और जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम अपने अंदर के पीएच को, वो प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम को बोला थंबा थंबा, अभी मेरे अंदर का पीएच अप टू डेट नहीं है, जल्दी से प्रोटॉन को इंटेक करके उसने पीएच को जो है लेवल पे लाया, और जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम में एक एसिडिक पीएच आ गया, इनएक्टिव एंजाइम को चाहिए था एसिडिक एनवायरनमेंट, जब तक प्राइमरी लाइसोसोम कंडीशन था तब तक प्रोटॉन का इंटेक नहीं हुआ था, तब तक एसिडिक एनवायरनमेंट प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर नहीं था, समझ में आ रहा है, बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं, तो प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव एंजाइम था, जब नॉक नॉक किया फैगोसोम ने, तो प्राइमरी लाइसोसोम ने ही प्रोटॉन का इंटेक किया, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके एसिडिक पीएच मेंटेन किया, enzymes made active, so इस condition को मैं ऐसे represent कर दे रहा हूं। अब देखिएगा, अब क्या हो गया, ये जो primary lysosome है वो क्या मैं बोलूं, उसके पास active enzymes हो गए, क्योंकि उसने अपने अंदर का environment acidic कर लिया,
अब मैं प्राइमरी लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम नहीं बोल सकता ना, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम के पास तो इनएक्टिव एंजाइम होने चाहिए, और प्राइमरी लाइसोसोम ने अपने अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया बाय द पंप विद द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। तो क्या मैं बोलूं, ये दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल में इंटर कर गया प्राइमरी लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को मैं बोलूंगा सेकेंडरी लाइसोसोम नाउ, सेकेंडरी लाइसोसोम, और ई है फैगोसोम, ई है फैगोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और फैगोसोम के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं हेटरोफैगोसोम, हेटरोफैगोसोम, या इसको हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम, या इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल। ठीक है, अगर यहीं पर जो है पीनोसोम अटैच होता तो हम उसको हेट्रोपीनोसोम या पीनोलाइसोसोम नाम रख सकते थे। पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर लार्ज लिक्विड कंपाउंड को पीनोसोम अपने अंदर पैक करके नॉक नॉक करता तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम एंड पीनोसोम को क्या नाम दे सकते हैं, हेट्रोपीनोसोम, क्या नाम दे सकते हैं, पीनोलाइसोसोम। मेंशन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पीनोसोम, इन टर्म्स ऑफ पीनोसोम मैं नाम दूंगा हेट्रोपीनोसोम, या मैं नाम दूंगा पीनोलाइसोसोम, पीनोलाइसोसोम, बताइए बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, कैन आई से सेकेंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम हैविंग हैविंग एक्टिवेटेड एंजाइम्स, हैविंग एक्टिवेटेड एंजाइम्स एंड एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच ड्यू टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, पॉइंट समझा। अब जो अच्छा बताओ बताओ, अब जो है जल्दी से प्राइमरी लाइसोसोम ने अपने अंदर का पीएच एसिडिक कर लिया, कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम में, दो चॉइस दे रहा हूं जल्दी से बताना, बताओ तो सही। लाइसोसोम वो सेकेंडरी लाइसोसोम वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द सेकेंडरी लाइसोसोम अपना एक्टिवेटेड एसिडिक एंजाइम ओवर द फैगोसोम रिलीज करके फैगोसोम के अंदर के मटेरियल को डाइजेस्ट करे, पहला ऑप्शन, या जो है ये जो फैगोसोम के अंदर फूड मटेरियल इट इज टेकन इनसाइड द लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम और डाइजेशन अंदर हो, क्या चूज करना चाहिए, लाइसोसोम क्या करे। अगर पहला केस लिया सेकेंडरी लाइसोसोम ने अपने एक्टिवेटेड एंजाइम्स को बाहर रिलीज किया फैगोसोम में प्रेजेंट फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए, तो फैगोसोम में प्रेजेंट फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा साथ में साइटोप्लाज्म में नियरली लोकेटेड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में जो यूजफुल कंपाउंड होंगे जिनका डाइजेशन नहीं चाहिए, जो जो यूजफुल स्ट्रक्चर होंगे वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे ना, तो यहां पर क्या होगा, इनका कॉमन वॉल डिजॉल्व हो जाएगा और एक कॉमन वैक्यूल बन जाएगा, एक कॉमन वैक्यूल बन जाएगा यहां पर। ठीक है, और इस कॉमन वैक्यूल में है लाइसोसोम के एंजाइम एंड द फैगोसोम का फूड मटेरियल, लाइसोसोम के एंजाइम और फैगोसोम का फूड मटेरियल। ठीक है, सो द कॉमन वॉल प्रेजेंट बिटवीन फैगोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम डिजॉल्व हो गया, इसको भी हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी नाम दे सकते हैं, इसको भी हम डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलेंगे, एक्चुअली डाइजेस्टिव वैक्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए, बट उस प्रीवियस जो है स्ट्रक्चर में भी हम डाइजेस्टिव वैक्यूल नाम दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम को बेसिकली हम हेट्रोफैगोसोम या फैगोलाइसोसोम बोलते हैं, एंड व्हेन वंस द कॉमन वॉल गेट डिजॉल्व द फूड मटेरियल टेकन इनसाइड द लाइसोसोम डाइजेस्टिव वैक्यूल एग्जैक्टली तब बनता है। ठीक है, नाउ डाइजेस्टिव वैक्यूल ये जो है सेकेंडरी लाइसोसोम के का ही एक दूसरा नाम बोला जाता है। नाउ डाइजेस्टिव वैक्यूल में है फूड मटेरियल और एक्टिवेटेड एंजाइम क्या करेंगे, एक्टिवेटेड एंजाइम्स इस फूड मटेरियल में जो भी अलग अलग केमिकल कंपाउंड होंगे उनके अगेंस्ट लाइसोसोम में अलग अलग एंजाइम्स है, फूड मटेरियल का ब्रेकिंग होगा, तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, सो डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल होगा,
डाइजेस्टिव वैक्यूल में, एंड डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल के बाद जो भी यूजफुल मटेरियल ऑब्टेन होंगे, यूजफुल कंपाउंड्स दे आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, यूजफुल कंपाउंड दे आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। पॉइंट समझा कि नहीं? एंड अब तीसरा फिजियोलॉजिकल फॉर्म आ रहा है लाइसोसोम का। Useful compounds present in the digestive vacuole obtained after digestion of food material with the help of active enzymes, they are released in the cytoplasm। बताइए तो सही, अब digestive vacuole के पास क्या left है, क्या बचा है? Undigested waste material। वेसिकल स्टेज ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ लाइसोसोम वेयर लाइसोसोम हैज प्रेजेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी, टर्शरी लाइसोसोम। तो ये यहां पर आ गया टर्शरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी। और टर्शरी लाइसोसोम ऐसे आएगा, आता जाएगा, जाता जाएगा और चिपकू हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन से चिपकू होकर टर्शरी लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल को करेगा सेल वॉमिटिंग एक्सोसाइटोसिस। टर्शरी लाइसोसोम ये करेगा ईफैगी, थ्रोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड। तीन टाइप के फिजियोलॉजिकल रोल के बेसिस पर लाइसोसोम की बात मैंने कंप्लीट किया। लाइसोसोम अभी अभी बनाया, जो है मैच्योर साइट से गॉल्जी बॉडी ने फिल किया, जो है एसिडिक एंजाइम से डाइजेस्टिव एंजाइम, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को, मैंने बोला प्राइमरी लाइसोसोम के पास जो है स्टोरेज एंजाइम है, इनएक्टिव नॉन फंक्शनल एंजाइम है। वंस प्राइमरी लाइसोसोम को फैगोसोम या पिनोसोम नॉक नॉक करेगा तो प्राइमरी लाइसोसोम प्रोटोन को इंटेक करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, एनर्जी लगा के एक्टिव इंटेक होगा, एंड द एंजाइम इनसाइड द लाइसोसोम द एनवायरनमेंट मेड एसिडिक, वंस इनसाइड द लाइसोसोम एनवायरनमेंट मेड एसिडिक, नाउ द एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड। द सेकंड फिजियोलॉजिकल रोल के बेसिस पर नाउ लाइसोसोम इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम को हेटरोफैगोसोम बोला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल। द फूड मटीरियल पैक्ड इनसाइड द फैगोसोम इट इज टेकन इन inside the secondary lysosome, the structure now called digestive vacuole, the digestion of food material performed by different enzyme present in secondary lysosome, the useful simple compound obtained after digestion of complex compound present in food material, the useful simple compound released in the cytoplasm, now the lysosome, the digestive vacuole left with undigested waste material, this lysosome, this stage of lysosome represent tertiary lysosome, this tertiary lysosome will move towards the cell membrane, get attached with the cell membrane and it will perform exocytosis, ephagy, cell vomiting। बताओ बताओ बताओ, फोर्थ वाला लाइसोसोम जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे थोड़ी देर में, क्लियर है? बताओ बताओ, एक ही जो है तो ये मैंने पहला बना दिया लाइसोसोम, ये यहां पर दूसरा लाइसोसोम और ये यहां पर तीसरा लाइसोसोम, पूरी स्टोरी मैंने कैसे कनेक्ट किया बताओ बताओ। ये थोड़ा बहुत ऐसे स्टोरी मैंने पता है ना बल्क ट्रांसपोर्ट में भी समझाया था, और वहां पर आपको बोला था कि यहां पर मैं अच्छे से, तो जो बल्क ट्रांसपोर्ट में फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में थोड़ा सा समझाया था, ये ऐसा कुछ यहां पर स्टोरी कंप्लीट हुआ। गॉल्जी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेजिंग प्रोसेस के थ्रू लाइसोसोम डेवलप हुआ। चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है? तो उस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स हम मेंशन कर लेते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली ओरिजिनेटेड लाइसोसोम फ्रॉम पैकेजिंग ऑफ Golgi body has inactive enzymes, non-functional enzymes. ठीक है? Then secondary lysosome, when phagosome or pinosome attaches
with primary lysosome. Primary lysosome performs active intake of proton या hydrogen ions from cytoplasm to make acidic pH. Now the lysosome, the primary lysosome, called secondary lysosome having activated enzymes. Combination of phagosome and secondary lysosome को heterophagosome, pinosome होता तो heteropinosome, it is also called digestive vacuole, ठीक है, secondary lysosome, ठीक है, also called digestive vacuole, ठीक है, बात आगे ले चलते हैं, ठीक है, थर्ड फिजियोलॉजिकल रोल के बेसिस पर लाइसोसोम का टाइप, मैंने बोला टर्शियरी लाइसोसोम, इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी, इट रिप्रेजेंट लाइसोसोम हैविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, it performs exocytosis, throwing off waste outside the cell. तीन टाइप के लाइसोसोम हो गए, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको डाइजेस्टिव वैक्यूल बोला, मेंशन कर लीजिएगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल में जो है जो फूड मटेरियल है उसके ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल होगा, यूजफुल कंपाउंड्स ऑब्टेंड, यूजफुल सिंपल सब्सटेंस ऑब्टेंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, सो जो सिंपल सब्सटेंस है दे आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, मेंशन कर लेते हैं क्यों जो है छोड़ू मैं इसको, सो इन डाइजेस्टिव वैक्यूल या इन सेकेंडरी लाइसोसोम स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स digest complex compounds of food and convert them in simple substances which get diffused या released in the cytoplasm. बताइए जल्दी से digestion of food material कौन करता है, बताइए तो सही, लाइसोसोम करता है, ठीक है, लाइसोसोम चार टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड ऑटो लाइसोसोम में कौन सा लाइसोसोम डाइजेशन करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम, नीड योर अटेंशन, समझा पूरा स्टोरी, पक्का, बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ले चलते थोड़ा आगे स्टोरी, ठीक है, फोर्थ टाइप वाला जो लाइसोसोम है जिसको हमने बोला है ऑटोफैगोसोम या ऑटोसोम या फैगोलाइसोसोम,
नाम ही काम बता रहा है, याद रखिएगा। बायोलॉजी में ऑटो मंजे, बायोलॉजी में ऑटो मींस होता है सेल्फ एंड फैगोसाइटोसिस या फैगी मतलब टू ईट। तो यहां पर ऑटोफैगोसोम में ऑटो मतलब सेल्फ एंड फैगो का मतलब हुआ फैगी का मतलब हुआ टू ईट। सो ऑटोफैगोसोम एक ऐसा लाइसोसोम है फिजियोलॉजिकल रोल के बेसिस पर जो खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को, जो पॉइंट समझ में आ रहा है, जिस सेल में लाइसोसोम है उस सेल में जो बाकी के सेल ऑर्गेनेल है उनके डाइजेशन में एक्सपायर्ड डेड नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेल्स को जो ब्रेक करने में, डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व है, उनको हमने बोला ऑटोफैगोसोम। सो ये है यहां पर सेल, बताइए तो सही ये क्या है और कहां पर है। ये है यहां पर वो भी सेल, और यहां पर मैंने बनाया ये है जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये यहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जो एक्सपायर्ड हो रहा है, नॉन फंक्शनल हो गया है। तो ई है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्सपायर्ड माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर कर रहा हूं, एक्सपायर्ड नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियम बोल दे सिंगुलर फॉर्म के लिए। नाउ कोई भी सेल का सेल ऑर्गेनेल नॉन फंक्शनल डेड या एक्सपायर्ड हो गया है तो उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा, बट लाइसोसोम डायरेक्टली उस सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट नहीं करेगा। वो सेल ऑर्गेनेल पहले तो अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन, एक वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा, वो वेसिकल बना के देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दैट उस वेसिकल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर को जो है लाइसोसोम रिकॉग्नाइज करता है, ऑटो लाइसोसोम। तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस जो है माइटोकॉन्ड्रियम, डेड माइटोकॉन्ड्रियम के अराउंड बना देगा एक वेसिकल, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रियम, एक्सपायर्ड माइटोकॉन्ड्रियम पैक्ड इनसाइड अ वेसिकल formed by ER, ठीक है। अब यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अराउंड लाइसोसोम ने बना दिया है एक वेसिकल, सो दैट लाइसोसोम सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल फॉर्म किया, इसको बहुत सारे लाइसोसोम इनसर्कल कर लेंगे, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है और लाइसोसोम इंसर्कल करके फाइनली इसको एक कॉमन वेसिकल बना लेंगे लाइसोसोम इसके अराउंड, और यहां पर ये है लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फॉर्म्ड वेसिकल, और इसके अंदर है एक्सपायर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये एंजाइम्स जो हैं बहुत सारे डिफरेंट प्राइमरी लाइसोसोम के अटैचमेंट से बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम इसको कवर अप कर रहे हैं फ्रॉम ऑल अराउंड, फिर वो एक कॉमन वेसिकल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं लाइसोसोम, इसको यहां पर ब्रेक कर देंगे। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, डेड माइटोकॉन्ड्रिया के डाइजेशन या ब्रेकिंग से जो भी यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन होगा उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाएगा फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट है, डेड माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उसको जो है ऐसे ही जाने दिया जाए, उसको रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है यहां पर ऑटोफैगोसोम, ये यहां पर मेंशन कर रहा हूं ऑटोफैगोसोम, ठीक है। तो ऑटोफैगोसोम यहां पर many lysosomes surround the dead cell organelle and perform breaking of the cell organelle Useful substances
obtained they are released in cytoplasm for reutilization. पॉइंट समझा? क्या मैं सेल के अंदर जो कुछ भी कचरा ऑन द नेम ऑफ एक्सपायर्ड डेड नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेल, क्या मैं सेल के अंदर जो भी जो है कचरा डेब्रिज बन रहा है, डेब्रिज DEBRIS डेब्रिज बन रहा है ऑन द नेम ऑफ एक्सपायर्ड डेड नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेल, उसको जो है ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम के ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, बट ये जो है अपने सेल अपने अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर रहा है, तो क्या मैं इसको बोलूं ये डिस्पोजल यूनिट के जैसा काम कर रहा है, ये रिसाइक्लिंग सिस्टम के जैसा काम कर रहा है, ठीक है? तो ऑटोफैगोसोम यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ऑटोफैगोसोम क्या है, लाइसोसोम का ही तो एक टाइप है। कैसे लाइसोसोम का टाइप है? ऐसे लाइसोसोम का टाइप है जहां पर लाइसोसोम सेल खुद के सेल में जो सेल ऑर्गेनेल एक्सपायर्ड हो गए हैं उनके ब्रेकिंग में, उनके डाइजेशन में इन्वॉल्व है। ऑटोफैगोसोम इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पोजल यूनिट या इट इज आल्सो कॉल्ड रिसाइक्लिंग सिस्टम। क्या मैं इसको बोलूं ये रिसाइक्लिंग सिस्टम या जो है डिस्पोजल यूनिट, इट इज परफॉर्मिंग समझिएगा प्लीज, इट इज परफॉर्मिंग स्कैवेंजिंग, इट इज परफॉर्मिंग स्कैवेंजिंग ऑफ सेल, सेल के अंदर सफाई कर रहा है ना। और बताओ तो सही, इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो, नहीं आप समझो ही मत, टफ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेल के अंदर कोई मर गया, कोई एक्सपायर हो गया, किसी का काम नहीं है, कोई इंजर्ड हो गया, सेल का अपना स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल, तो उसकी सफाई स्कैवेंजर या स्कैवेंजिंग का मतलब सफाई करने वाला ना, तो ऑटोफैगोसोम क्या कर रहा है, स्कैवेंजिंग ऑफ सेल के अंदर सफाई कर रहा है। बताओ। तो प्राइमरी लाइसोसोम नया ताजा इनएक्टिव एंजाइम, सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिवेटेड एंजाइम, सेकेंडरी लाइसोसोम ही डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, टर्शियरी लाइसोसोम के पास है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल परफॉर्म कर रहा है, ई फैगी एक्सोसाइटोसिस सेल वोमिटिंग, ऑटोसोम या फैगोलाइसोसोम एक ऐसे लाइसोसोम है फिजियोलॉजिकल रोल के बेसिस पर जो अपने सेल के अंदर प्रेजेंट एक्सपायर्ड सेल ऑर्गेनेल के डाइजेशन में इन्वॉल्व है, इनको हम ऑटोफैगोसोम को हम जो है नाम दे सकते हैं रिसाइक्लिंग सिस्टम। बताओ क्लियर है चारों टाइप का? अच्छा, जो कुछ भी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर एक्सपायर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है ट्यूब्यूल्स, कोई भी वो वेसिकल के अंदर, वेसिकल कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल परफॉर्म करेगा, इस वेसिकल के ऊपर रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके लाइसोसोम समझ जाएगा, जिसके जिस भी स्ट्रक्चर के जैसे लार्गनेल के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल बना दिया, ऑटोफैगोसोम उसी को सराउंड करेगा, उसी को ब्रेक करेगा, उसी को कंसीडर करेगा डेड इनएक्टिव नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेल ऑटोफैगोसोम। बताइए बात आगे बढ़ाए थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन स्टार्ट करूं मैं, कुछ सिंपल फंक्शन है जो ऑलरेडी हम समझ ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। उसके पहले प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल, बताइए एक्सेप्शन बताइए, ऐसा कौन सा एनिमल सेल है जिसके पास लाइसोसोम बहुत दूर तक नहीं होगा? अरे बताओ तो सही, हाँ सही सोच रहे हो, अरे सोचो सही सोच रहे हो, मैच्योर आरबीसी। प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल, एक्सेप्शन आ गया मैच्योर रेड ब्लड सेल के पास नहीं होता है लाइसोसोम। प्लांट में लाइसोसोम के जैसा काम करने वाला स्ट्रक्चर है उसका खुद का वैक्यूल या स्फेरोसोम, फ्यूचर में मैं स्फेरोसोम को बताऊंगा,
माइक्रो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल परफॉर्म करता है लाइसोसोम के जैसा काम। और लाइसोसोम फंगस में भर भर के होता है, फंगस लाइसोसोम फंजाई दे आर रिच इन लाइसोसोम। मेंशन करते हैं यहां पर कुछ पॉइंट, लाइसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है। इन प्लांट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड स्फेरोसोम परफॉर्म फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इन प्रोकैरियोट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्लेज अ रोल ऑफ लाइसोसोम। पेरिप्लाज्मिक स्पेस plays role of lysosome in prokaryotic cell, ठीक है। और mention कर लेते हैं, fungi are rich in lysosome, they have abundant lysosome, क्योंकि fungus करता है extracellular digestion, fungus outside the cell जिस भी food material के ऊपर grow होता है वो अपने बाहर enzyme release करके large substance को cell के बाहर body के बाहर enzyme को release करके digest करता है। fungus rich in जो है lysosome, ये कुछ point है।